नमस्कार, मैं हूँ मंजू। आइए आज बनाते हैं स्वाली, जिसको कि कई लोग मठरी भी बोलते हैं। अब स्वाली बनाने के लिए हमको क्या क्या सामान की आवश्यकता पड़ती है, वो है ये तकरीबन 250 ग्राम मैदा, उसके बाद में एक छोटी आधा कटोरी सूजी, जिसको कई लोग बम्बई रवा भी बोलते हैं, एक चम्मच नमक और आधा चम्मच अजवाइन, और करीब 100 ग्राम तेल इसमें मौन डालने के लिए मैदा में। चलिए तो हम बताते हैं इसको कैसे आटा को भिगाया जाएगा। और इसको आटा को भिगाने के लिए हमको एक गिलास पानी चाहिए, जिसको कि गर्म रखना पड़ेगा। चलिए अब हम पानी गर्म रख देते हैं। पानी गर्म होता है जब तक हम इसकी मिलाने की तैयारी कर लेते हैं। आइए, हमने इस थाली में मैदा निकाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच नमक, आधा चम्मच अजवाइन। ये जो हमने आधी कटोरी सूजी ली हुई थी, वो अब हम इसमें डालते हैं जो हमने ये 100 ग्राम तेल लिया हुआ था। अब हम इसको मिला लेते हैं जब तक हमारा पानी गर्म होता है। इसको हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं ताकि मोन बराबर मिल जाए और स्वाली खस्ता स्वाली बने। किसी किसी को मौन डालने का, तेल डालने का अंदाज नहीं होता है, तो उसके लिए हमको ये मिला कर, पूरा मिलाने के बाद में हमको ऐसा मुट्ठी बांध कर देख लेना चाहिए। अगर हमारी मुट्ठी बन जाती है तो इसमें मौन बराबर है, जो कि सुहाली बनने के लिए तैयार है। आप इसे देख सकते हैं, इसमें अच्छी तरह से मौन डल गया है। अब हम इसमें जो हमने गर्म पानी किया हुआ था वो हम थोड़ा थोड़ा डालकर इसको भिगाते हैं। इसको हम जितना टाइट भिगाएंगे आटे को, सुहाली उतनी ही खुशखुशी सॉफ्ट बनेगी। आप देख सकते हैं हमारा मैदा बिक के तैयार हो चुका है सुहाली के लिए। इसको हम जितना टाइट रखेंगे उतनी ही अच्छी सुहाली बनेगी। चलिए अब हम इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि आटा अच्छी तरह से फूल जाए। आइए, हमारी मैदा जब तक भीगती है, जब तक हम इसमें तेल डाल देते हैं, जो कि मैदा भीगने तक गर्म हो जाएगा। चलिए इसको तेल को गर्म होने देते हैं। आइए, हमारी मैदा भीग चुकी है। अब हम इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लेते हैं। हम इसको ऐसा हथेली से दबा देते हैं तो ये पेड़ी बन जाती है अच्छी। आइए हम इसको बेल लेते हैं। हमारा तेल भी गर्म हो चुका है, हमारी सवालियां जब तक बेल चुकी हैं, यहाँ पर हमारी सवालियां बेल चुकी हैं। अब हम इसमें चक्कू से छोटे छोटे बारीक छेद या होल कर सकते हैं ताकि उससे ये फूले नहीं।
ऐसे इसके दोनों साइड, क्योंकि अगर ये दोनों साइड छेद करने से ये फूलते नहीं है, क्योंकि अगर ये फूल जाती हैं तो फिर ये नरम हो जाएंगे और वो स्वाद नहीं आएगा जो कि आना चाहिए इसमें। चलिए हमारा तेल गर्म हो चुका है, आइए इसमें हम अभी ये डाल देते हैं। बस इसमें सिर्फ यही ध्यान रखना जरूरी है कि इसको गैस को तेज ना करें और धीमी आंच में सेकें। आप इसको जितनी धीमी आंच में सेकेंगे ये उतनी ही अच्छी बनेगी और उतनी ही सॉफ्ट बनेगी, जिसको कि आप खस्ता सवाली भी कह सकते हैं। इसमें टाइम जरूर लगता है धीमी आंच में सेकते हुए, लेकिन वो चीज अच्छी बनती है। आप देख सकते हैं इसमें कलर कितना अच्छा आ रहा है। ये हमारे घर में कुछ भी नाश्ता अगर नहीं रहता है तो हम ये चाय के साथ खा सकते हैं। आइए आप देख सकते हैं हमारी स्वाली सिक चुकी है, अब हम इनको निकाल देते हैं। देख सकते हैं स्वाली हमारी स्वालियाँ बनके तैयार है। आप इसको बनाइए, आने वाले मेहमानों को खिलाइए, घर में भी आप नाश्ता कीजिए और फिर हमको बताइए कि आपको ये कैसी लगी।